तो देख लो अमीरों वाला शौक ले लिया है, ठीक है, आईफोन बोलना नहीं, हम अभी रिफर्बिश्ड मार लिया है, ठीक है, ब्रांड न्यू नहीं, ठीक है। सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिटनोलॉजी टेक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सिद्धार्थ, आगे हुए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है ये पूरा अलग टाइप का वीडियो है, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज थोड़ा सा अलग टाइप का अनबॉक्सिंग मैंने किया है, आज वॉइस के साथ साथ अनबॉक्सिंग भी होगा। मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था, मतलब iPhone 7 जो रिफर्बिश्ड ऑप्शन वाला है ना फ्लिपकार्ट के कैटेगरी ऑप्शन में, तो मैंने सोचा कि रिफर्बिश्ड आईफोन ऑर्डर किया जाए एंड फ्लिपकार्ट का जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है वो कैसा है एंड आप लोग भी परचेस कर सकते हो या नहीं, यही आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कारवा। सो गाइस, सबसे पहले मैं जब डिलीवरी बॉय से ये प्रोडक्ट लाने गया था तो मैंने सोचा उस टाइम पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया जाए, तो आप प्लीज़ उस क्लिप को पहले देख लो, ठीक है। मैं छुप छुप के वीडियो बना रहा था, ठीक है, वो डिलीवरी बॉय को भी पता नहीं था। तो जो भी हो, वीडियो बना लिया है तो आप लोगों ने देख लिया। तो अभी ये जो पैकेट है ये तो ओपनड है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते हो कि पैकेट अभी ओपन है। तो आईफोन 7 का पैकिंग है एंड इसमें बिल एक है जो ये कहाँ से आया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डब्बे को हम लोग साइड करते हुए ये रहा मेन आईफोन 7 का पैकेट, आप लोग अभी देख ही सकते हो। तो यहाँ पर जो आईफोन है यहाँ पर लिखा गया है आईफोन 7 32 GB रोज़ गोल्ड वाला, मैंने रोज़ गोल्ड वाला ऑर्डर किया था। एंड ये जो बक्सा है लाइक एक डेमो फोन का बक्सा लग रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसमें भी अपने दिल को कष्ट नहीं करेंगे। तो जो भी हो, ये रहा आईफोन 7 का बॉक्स। तो ये जो सील पैक था मैं उसी टाइम को ब्रोक कर लिया था, अगर फ़ोन ना रहे, फ़ोन के बदले में ईट रहे तो इसी प्रॉब्लम में, तो मैंने सोचा फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते। तो ये रहा फ़ोन, ठीक है, मैंने पैकेट से ओपन नहीं किया। और यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया है, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें को हम लोग साइड करते हुए यहाँ पर एक USB केबल और एक चार्जर मिलता है। चार्जर ओरिजिनली एप्पल का है, मैंने नोटिस किया है। एंड ये जो USB है ये लाइटनिंग केबल है, ठीक है, तो ये भी ओरिजिनल है और कुछ नहीं है डब्बे के अंदर। तो हम लोग इन सब को साइड कर देते हुए, तो अभी आप लोग देख ही सकते हो ये रहा आईफोन 7। एंड फ़ोन मैंने ऑन कर लिया था तभी, मतलब सेटअप नहीं किया, जस्ट ऑन किया। तो पहले इसको हम लोग इस रैपिंग को ओपन करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, मैंने सुपर कंडीशन में ये फ़ोन परचेस किया है। आप लोग देख ही सकते हो फ़ोन के पीछे में 1% भी डेंट और 1% भी स्क्रैच यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ, एक भी स्क्रैच नहीं है। और कैमरा में भी कोई धुंधलापन नहीं है, फ्लैश भी ओके है। एप्पल लोगो, ये कि एप्पल लोगो के अंदर भी कोई स्क्रैच नहीं है गाइस, यहाँ पर आईफोन का नाम है। और साइड वाइज अभी हम लोग चेक करें तो आप लोगों को भी पता है कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लिम है एंड ये पूरा एलुमिनियम फ्रेम से बना है, एलुमिनियम बॉडी है पूरा। ये रहा पावर बटन, पावर बटन तो एकदम क्लिकी है, तो पावर बटन में भी कोई इशू वगैरह की तक चांस आने तो नहीं वाला है। एंड साइड वाइज यहाँ पर जो म्यूट बटन है, आई होप म्यूट, हाँ म्यूट बटन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर साउंड भी है, ये रहा वॉल्यूम बटन्स। और नीचे की तरफ आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर एक टाइप, मतलब टाइप सी नहीं, एक लाइटनिंग केबल है और दोनों स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ़ोन स्लिम है एंड एकदम सुपर हैंडी है। जो लोग जिनका उंगली बड़ा है या उंगली छोटा भी है उन लोगों को तो एकदम मज़ा आएगा, ठीक है, आप लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेटअप करते हैं, ठीक है, तो फटाफट से सेटअप करने के बाद बाकी वीडियो को हम लोग देखते हैं। आप लोग देखो पहले इसको इंग्लिश कर लेना अगर जो नए हो, उसके बाद इंडिया कर लेना, सेटअप मैनुअली कर लेना, आपके घर में कोई वाईफाई वगैरह हो तो कनेक्ट कर लेना, मैंने घर में वाईफाई है तो मैंने जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ मिनट्स मांग रहा है एंड फ़ोन तो बहुत ओके कंडीशन में, आई होप ये डिस्प्ले चेंज आई थिंक डिस्प्ले चेंज नहीं हुआ है कभी, ठीक है,
डिस्प्ले भी नहीं, डिस्प्ले एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का है। ये ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले एकदम डुप्लीकेट वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये डुप्लीकेट वाला होता ना, ये हल्का सा पेस्टिंग वगैरह, जो पेस्ट होता है ना, पेस्टिंग वगैरह दिख जाता, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ओरिजिनल डिस्प्ले यहाँ पर है। फ़ोन एकदम स्लिप कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर डेटा प्राइवेसी है, तो इसको कंटिन्यू कर दो। तो पहले टच आईडी को हम लोग सेट कर लेते हैं। देखो यस गाइस, टच आईडी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, टच आईडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हैप्टिक फीडबैक आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि 6S के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन है आईफोन का, तो उसके अंदर कोई भी फिजिकल बटन नहीं आता, मतलब दबता नहीं है, जस्ट एक हैप्टिक फीडबैक के अंदर सब चलता है। तो यहाँ पर पासकोड में 1 2 3 4 लगा देता हूँ, जस्ट ऐसे ही, जस्ट सेटअप करने के लिए ऐसे ही लगा रहा हूँ। अभी हम लोग देखने वाले बैटरी हेल्थ कितना है, एंड एक्साइटेड तो थोड़ा सा हूँ मैं। हम रिस्टोर अभी तो कुछ रिस्टोर वगैरह नहीं करने का, ठीक है। यूज़ डिफरेंट एप्पल आईडीज़, नहीं अभी 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 कोई सेटअप नहीं करने का, डोंट यूज़, अभी थोड़ा सा टाइम देने का। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है, तो इसको हम लोग एग्री कर देते हैं, ठीक है। तो कीप योर आईफोन अप टू डेट, कंटिन्यू। लोकेशन को हम लोग अभी डिजेबल ही रखते हैं, लोकेशन ज़्यादा ऑन नहीं करूँगा तो बैटरी खाएगा। इसको डोंट शेयर कर देता हूँ, लाइट मोड ही रखता हूँ, डार्क मोड अभी नहीं रखता। तो गाइज ये एकदम लेटेस्ट कितने iOS में चल रहा है देख लेता है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में देख ही सकते हो, iOS 15.2 के अंदर ये iPhone 7 अभी चल रहा है, ठीक है। एंड पहले तो ये एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है, तो सीरियल नंबर में F दिख रहा है, क्योंकि एक रिफर्बिश्ड आईफोन है। उसके बाद ये है, अभी हम लोग चेक करने वाले बैटरी के बारे में, बैटरी हेल्थ, बैटरी हेल्थ। हाँ तो बैटरी हेल्थ देखो गाइज, बैटरी हेल्थ एकदम 100% है, बैटरी हेल्थ में भी कोई इश्यू तो यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर जो हैप्टिक है ना गाइज, एप्पल का जो हैप्टिक होता है वो तो आप लोगों को भी पता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। एंड एक बार थोड़ा सा फोटो चेकअप कर लेते हैं, पहले मैं एक फ़ोन को लाता हूँ, उसके बाद आपको फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। वेट, पहले गाइज ये देख लो, पहले एक माइक्रोमैक्स इन नोट 2 का बक्सा है, तो बॉक्स का एक फ़ोटो हम लोग क्लिक कर लेते हैं। वाह गाइज बहुत अच्छे से क्लिक हो गया फ़ोन, चलो एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। हाँ क्लिक अच्छे से हुआ है। तो उसके बाद अभी हम लोग नोटिस करने वाले हैं कि इसके अंदर और क्या क्या साउंड साउंड सही है या नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग चेक करवा लेते हैं बॉक्स को, ये बॉक्स को रखते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग साउंड को थोड़ा सा सुन लेते हैं, कहाँ गया साउंड वाला ऑप्शन, साउंड एंड हैप्टिक्स। तो साउंड क्वालिटी भी एकदम ब्रांड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रांड मतलब पूरा अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है। एकदम क्रिस्पी एप्पल वाला, एकदम अमीरो वाला टोन है, अमीरो वाला टोन के अंदर ये फ़ोन पूरा अच्छे से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, एकदम हैप्टिक फीडबैक बहुत सही है। तो यहाँ पर एक बार फिंगरप्रिंट को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। हाँ फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड बहुत हैंडी फ़ोन है, मतलब इतना छोटा सा डिवाइस है ना, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर सेल्फी वगैरह तो आपको पता ही है, यहाँ पर 7 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। जैसे कि मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, पहले यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो ये एक लाइव फ़ोटो ले लिया है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, फ़ोटो को मिरर कर देता हूँ, नहीं तो ये आईफोन वाले ना, आप लोगों को भी पता है, एक ट्रिक भी मैं दिखा देता हूँ कि आईफोन वाले कैसे एक फ़ोन का जो फ़ोटो है उसको मिरर कर देते हैं, तो मिरर ना हो इसी कारण। तो चलो इसको ऑफ़ कर लेते हैं, तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, चलो। तो मेरा एक फ़ोटो मैंने क्लिक कर लिया है, पहले एक बार फ्लैश को ऑफ़ कर दूँ। तो गाइस फ़ोटो आप लोग देख ही सकते हो, मतलब गज़ब का क्वालिटी है भाई, आप लोगों को पता है कि एप्पल का क्वालिटी कितना तगड़ा होता है, मतलब एकदम फोकस पूरा मेरे फेस पे, बैकग्राउंड हल्का हल्का सा। इसके अंदर तो आप लोगों को पता है कि पोर्ट्रेट मोड नहीं है, क्योंकि ये 7 एंड 7 प्लस के अंदर पोर्ट्रेट मोड मिलता है, बट इसके अंदर वो नहीं मिलता। बट एकदम सुपर हैंडी फ़ोन है, मतलब इतना स्लिम फ़ोन है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बहुत ही तगड़ा है। एंड इसका जो प्रोसेसर है, A10 बायोनिक चिप है आई थिंक, ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह, बाकी जो भी है इसके अंदर बैटरी सही है। आई होप फ़ोन में कोई इशू, अभी तो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, यूज़ करने के बाद रिव्यू देने वाला हूँ। अभी ये फ़ोन तो बहुत तगड़ा चल रहेगा, ठीक है। फ़ोन मेरे को बहुत अच्छा कंडीशन, मतलब फ़्लिपकार्ट को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है इतने अच्छे से देने को। एंड जो सेलर है, जो मेन जो सेलर है, उनको तो बहुत अच्छा बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना कि सेलर गलत फ़ोन सेंड करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होता है कभी कभी। बट मेरे कोलकाता में, मैं जहाँ से लिया है, बहुत अच्छे से दिया है फ़्लिपकार्ट ने, तो थैंक्स टू फ़्लिपकार्ट।
तो ये वाला अनबॉक्सिंग वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो बाय बाय।